व्हीलचेयर का एक कॉन्सेप्ट मेरे लिए बड़ा न्यू था जी. व्हीलचेयर का एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, खेलते हैं. सर वो व्हीलचेयर पे खेलना आसान है? किस तरह खेलते हैं वो? कोई स्पेशल व्हीलचेयर होती है? पीसीबी से, पीडब्ल्यूसीसी से बोल रहे हैं. तो माशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस देखी है, क्योंकि घर पे बॉल टांगा होता था, मैं प्रैक्टिस करता रहता था. काफ़ी अच्छा, मतलब बैटिंग करता था और फील्डिंग वगैरह बहुत अच्छी कर लेता था. मुझे जॉन्टी रोड्स कहते थे. जब ये किसी टीम को आउट कर लेते हैं ना जल्दी, फिर हमारी टीम की अब की नहीं बहुत पुरानी आदत, हम हो जाते हैं इजी. MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन. और मैं यहां पे मौजूद हूं एक बड़े ही स्पेशल पर्सन के पास, जो कि व्हीलचेयर पर क्रिकेट खेलते हैं, और नाम है उनका वकार अली. और वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो मेन मेन के आउट ऑफ कंट्रीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं और ऑलमोस्ट ऑल प्लेयर्स के साथ खेले. और सबसे मज़े की बात ये जो मुझे यहाँ आते ही लगी है, वो ये है कि ये डिफरेंट किस्म की क्लासेस यूज़ करते हैं. इतनी ज़बरदस्त, इतनी क्यूट कलेक्शन है इनके पास ग्लासेस की. क्या हाल है आपका? ठीक है जी, उसकी ज़ात का बड़ा करम है, शुक्र है उसकी ज़ात का. सर आज कौन सी ग्लासेस वाले हीरो बनना है मुझे ये बताएं. हीरो तो मैं बड़े आम से बंदे हैं, लेकिन मैं ये हार्ड वाली ग्लासेस लगा लूँगा. अच्छा, बड़ी प्यारी कलेक्शन है इनकी. मैंने कहा जरा देखते हैं आज कौन सी ग्लासेस. ओए होए होए, क्या कहती, कमाल लग रही है. क्यों भाई, इब्राहिम सेट हो गया ना, ज़बरदस्त हो गया. सर पर सबसे पहले ये बताएं कि स्टार्ट कैसे लिया? जी स्टार्ट ऐसे दिया कि मेरा 98 में एक्सीडेंट हुआ था, मदर की डेथ हो गई थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी. पहले कुछ 3-4 साल पड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स वगैरह घर वालों ने कहा कि हिम्मत करो, ठीक है. तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत की, फिर हिम्मत करते आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर पर बैठना शुरू कर दिया. फिर दोस्तों के साथ बाहर निकल गए, फिर कभी किधर निकल गए, फिर कभी किधर निकल गए. इस तरह मतलब आना जाना लगा रहता था, फिर दोस्तों यारों में चलते आना जाना लगा रहता था. फिर ये हुआ कि एक दिन उसे कहते हैं, मुझे कॉल आई PWCC व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल से. तो ये हुआ कि फिर उन्होंने मुझे कहा कि वकार मेरा नाम लेके मुझे कहा, मैं कहा जी सर. कहते हैं कि हम PCB से PWCC से बोल रहे हैं. तो माशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस देखी है, क्योंकि घर पे बॉल टांगा होता था, मैं प्रैक्टिस करता रहता था. हाँ, तो आपकी एज क्या है इस वक्त प्रेजेंट? मेरी इस वक्त एज है 42 के करीब. और आपने क्रिकेट खेलनी कब स्टार्ट की? मुझे मैक्सिमम 2017 में मैंने की है, मे बी 7 ईयर्स हो चुके हैं. 14-15 साल का था, तो एक ऐसे दोस्तों की टीम होती है, टेप. हाँ जी, टेप बॉल की. हम ग्राउंड्स में जाके खेलते थे, ग्राउंड्स में जाके खेलते थे. मैं ओपनिंग करता था, काफ़ी अच्छा, मतलब बैटिंग करता था और फील्डिंग वगैरह बहुत अच्छी कर लेता था. मुझे जॉन्टी रोड्स कहते थे. मेरा कप्तान शाहिद अजमल भट्ट, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई. समझे, अगर 10 मैच खेले हैं तो 8 जीते हैं, और 8 मैचों में से 7 में मैं नॉट आउट हूँ. 7 मैच मैंने जिताए हैं. मतलब आपकी इंजरी नहीं हुई? नहीं हुई थी. अच्छा, इस एकदम इंजरी हुई एकदम, जाहिर बात है 2-3 ईयर्स तो आप ऑन बैट आ गए. तो जब ये टीवी पे मैच देखना या कुछ देखना, कोई डिप्रेशन मोमेंट था या दिल में थी कि नहीं उठ जाना है बस एक दफ़ा खड़े होना? पहले हिम्मत हार गया हुआ था मैं. जिस तरह मैं भागने दौड़ने वाला था, मैं जब 14-15 साल का था, तो सीनियर लड़कों में ने जिनकी एज 30 या 30 से अबव थी, उनकी क्रिकेट की टीम थी हार्ड बॉल की. तो उनमें से एक दो जो मेरे मुझे बड़ा प्यार करते थे, उन्होंने मुझे अपनी टीम में चांस दिया खेलने का. तो मैंने फिर उनकी टीम से खेले, उन तो मैंने कई टूर्नामेंट्स जितवाए हुए हैं. तो ऐसे ऐसे कैच पकड़े, एक मैंने कैच पकड़ा था जंप करके भाग के, तो कैच पकड़ लिया था यहाँ पर, उसकी बॉल की सिलाई लग गई थी, हाथ कट आ गया था मेरा, लेकिन कैच नहीं मैंने छोड़ा. जुनूनी थे क्रिकेट. हाँ, और एक दफ़ा ये मैं कीपिंग कर रहा था, तो बॉल मुझे उसे कहते हैं, मैं बॉल पकड़ने गया, एकदम बॉल नीचे से ऊपर आ गई ना, पता नहीं चलता, ठीक है. तो वो यहाँ मेरे लगी, यहाँ से खून निकल गया. फिर रात के मैच के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तानी की जो प्रेजेंट कंडीशन है पाकिस्तानी टीम की, प्रेजेंट कंडीशन तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी. जिस तरह इन्होंने 119 पे आउट किया, ठीक है, 120 था, मैंने कहा ईजी कर लेंगे. कुछ प्लेयर्स चेंज करने होंगे, ताकि ये है कि जो कई पुराने हो गए हैं, देखें उनकी कारकर्दगी जो है हेड, उनको चाहिए कि
चेक करें, जो नहीं है उन्हें उन्हें मतलब रेस्ट दे दें। जब ये किसी टीम को आउट कर लेते हैं ना जल्दी, फिर हमारी टीम की अब की नहीं बहुत पुरानी आदत, हम हो जाते हैं इजी कि भाई 119 कर लाएंगे, कोई मसला नहीं है। वो कहता है जैसे खेल रहे हैं, वो कहता है पीछे पीछे वो पड़ा है हो जाएगा, वो कहता है पीछे वो पड़ा है हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते अब पीछे कोई रहता ही नहीं है। अच्छा सर, व्हील चेयर का एक कॉन्सेप्ट मेरे लिए बड़ा न्यू था जी। व्हील चेयर का एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, खेलते हैं सर, वो व्हील चेयर पर खेलना आसान है? किस तरह खेलते हैं वो, कोई स्पेशल व्हील चेयर होती है? मैं भी समझता था कि मुश्किल है, लेकिन जो जैसे व्हील चेयर फिर आहिस्ता आहिस्ता चला के, ये सारी गेम आपकी हिम्मत की है, आपने लर्न करना है, आपने लर्न किया कैसे बोलना है क्या नहीं करना। तो आपके जो कैमरे मैन है उनको पता है कि भाई अब इस तरह करना है, पहले तो नहीं पता था। लाइफ में इसी तरह ही होता है, आपको सीखना पड़ता है। तो अब हमारी टीम को पता नहीं कौन सिखाएगा, अल्लाह जानता है कि अल्लाह हमारी टीम को कोई सिखा दे कि भाई विकेट पे खड़े रहना है। विकेट पे रहेंगे तो स्कोर होगा ना, अगर विकेट पे नहीं रहेंगे तो आउट होते जाएंगे तो कौन करेगा। सर इसमें भी T20 होता है व्हील चेयर टूर्नामेंट? जी इसमें ज़्यादातर T20 होता है, लेकिन इसमें वनडे भी हुआ था। हाँ वनडे भी एक। और आपके मोस्ट स्कोर क्या रहे? मेरे एक दफ़ा 24 भी रहा है, फिर एक दफ़ा 27 या 28 भी था, फिर एक दफ़ा मैंने 33 किया था ओपनर आके 23 बॉलों पे। जैसे आम लोग क्रिकेट खेलते हैं उनसे हार्ड है ना, क्योंकि पहले हमने व्हील चेयर चलानी है, फिर हमने कोई और करना है काम ना, हमने एक हाथ से भी पहुंचना भी है। अब बॉलर ने पहले व्हील चेयर चला के बॉलिंग करनी है, अब बैट्समैन ने व्हील चेयर को एक लॉक लगा के हैंड करके फिर शॉट मारनी है, और शॉट मार के बैट छोड़ के फिर भाग के रनिंग भी करनी है, भाग भाग के हम तीन भी ले लेते हैं। और सर देखिए, जैसे आपको व्हील चेयर चलानी पड़ती है, ये वाली टीम भी बहुत मुश्किल में है, इनको दिमाग चलाना पड़ता है, मुझे कहता है कि लॉक कर देते हैं। ये बहुत बड़ा चांस था हमारा सीरियसली इंडिया को जीतने के लिए, क्योंकि जिस तरह हमने इंडिया को डाउन कर दिया था ना 190 पे, तो ये इंडिया वाले तो अंदर अंदर से मरे पड़े थे सारे कि हूं की होएगा, कि उनको पता था इनके पास ये भी प्लेयर है, बाबर भी है, फ़खर जमान भी है, रिजवान भी है, ये भी है, वो भी है। सबसे बड़ी ये बात है कि आप लोग मुल्क के लिए खेल रहे हो, आप प्राउड हो मुल्क का, तो आपको चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ तो करो ना यार। अब इससे कम स्कोर क्या, आपको 5 स्कोर दे दें करना है या 50 स्कोर दे दें? 50 हो तो वो भी मुझे डर लगता है फिर, क्योंकि देखिए ना ये कोई स्कोर है ही नहीं, ये स्कोर है ही नहीं। ये इनकी एक बुराई ये भी है ना, देखें जो प्लेयर अच्छा खेल गया नया लड़का, उसको अगले मैच में बाहर बिठा देना है। जो लड़का अच्छा खेल गया, सैम यूब खेल रहा था, उसको अंदर डाल दो भाई। तीन लड़के किसी को लेके, एक बात बताएं, आप इसको लेके आई हैं कैमरे मैन को, तो आप काम वो कर रहे हैं ना, ठीक है। अब तीन लड़के ये लेके गए हैं, साहबजादा, फरहान और दो और लड़के, तो उनको चांस ही नहीं मिला बेचारों को। जब हमारी टीम हार रही है तो दुख हो रहा है, और जब इतना, अब देखे ना ये जो हुआ है मैच, ये अब ये कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि ये इस तरह कभी भी नहीं हुआ लाइफ में। क्लोज हुआ है थोड़ा, चले ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा जी, क्या हुआ जी, पाकिस्तान ने 200 किया है, 180 कर दिया है। यार इतना तो करो ना, कुछ इस तरह तो आओ ना, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है ना, इसकी कोई कमी नहीं। ये टैलेंट का ही है ना कि एक को 119 पे इंडिया को हमने ढेर कर दिया है, कोई दूसरी टीम करके दिखाए 119 पे इंडिया को ढेर। चलें भाई, इंशाल्लाह ताला जो भी हमारी टीम है, अब देखते हैं आगे क्या इसमें जो है वो बेहतरी आ सकती है, और हम क्या नई बेहतरी आगे वाले मैचेस में देखेंगे। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का, आपके रिव्यूज़ लेने का, और बड़ी हिम्मत की बात है, और हिम्मत, और ये एक तरह से हमारे लिए मोटिवेशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हिम्मत हार जाते हैं डिसेबल होने के बाद। वो बिल्कुल एबल पर्सन थे, अचानक उनके साथ इंजरी हुई, डिसेबल हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अपना ख्वाब टूटने दिया, और उसी ग्राउंड में अपने बैट के साथ, बॉल के साथ, अपने जज्बे के साथ वो उतरे। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। जी जी जरूर सर। तो कहने का मतलब है ऐसे बनो कि हिम्मत भी आपसे हिम्मत ले। और एक बार फिर सुनाइएगा जी, मतलब कुछ लोग तो किनारों पे आके डूब जाते हैं, कुछ लोग तो किनारों पे आके डूब जाते हैं, हमने तो लहरों में घर बना रखा है। भी स्पेशल पर्सन है, मतलब जो चल नहीं सकते और उनके घर वाले कहते हैं कि बेटा ना जाओ, या ओहो इसको बाहर ना निकलने दो, लोग क्या कहेंगे, लोग कहते हैं कहने दो, ठीक है।
आप निकलो, जिंदगी जियो, बाहर निकलोगे दुनिया देखोगे और आगे बढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा। इसी के साथ करते हैं अपने आज के इंटरव्यू का इख्तिताम। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई जगह, किसी नए इंसान के साथ, किसी नई कहानी के साथ। दीजिए अंदर मोइन को इजाज़त, अल्लाह निगेबान।